तो ब्लू है, शेर तो ब्लू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मार्किल गैलेक्सी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। और यहाँ अम्मी ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। हम अक्सर मोटिवेशन का वर्ड तो सुनते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम ख़ुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। और दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, फिर वो चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, आप स्टडी कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी घर की लाइफ हो, आप एज़ अ हाउस वाइफ घर का काम कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, या फिर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं। इवन अगर आपने एक गोल अचीव भी कर लिया है और उसको सस्टेन करने के लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए, तो चलें आज इस पर ही डिस्कस करते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। सबसे पहले तो आप अपना एक गोल डिसाइड कर लें कि आपका गोल क्या है और वो आप करना क्यों चाहते हैं। अपने गोल में क्लियर रहें और अपने टास्क को आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करें। आप इरिटेट ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें। इट्स नेचुरल, इंसान कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाता है, डिप्रेस भी हो जाता है फेल्यूअर्स देख देख के, या वही सेम रूटीन सेम काम करते करते। पर इंसान को चाहिए कि ख़ुद को हर वक्त मोटिवेटेड रखे। वो कैसे रखे? अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो स्पिरिचुअली आप को 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करें, सूरह बकरा सूरह वाकिया, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं दुनियावी बात करूं तो आप अपना एक गोल सेट कर लें, जैसे कि मैंने पहले बात की। और मैंने जब आई वॉज़ इन माई स्ट्रगलिंग पीरियड, तो मैंने अपने रूम में अपनी दीवार के सामने एक बहुत बड़ी शीट पर लिख के लगा दिया था। उस पर मैंने क्या लिखा था, डोंट क्विट। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर में हैं, आप कहीं पे भी जहाँ पे भी सामने आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है, वहाँ पे एक छोटी सी चिट लगा लें डोंट क्विट की। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेज करना सीखें कि इस काम को इतनी डेडिकेशन देनी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप, एक तो होते हैं कि आप बिल्कुल ही परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं और एक ही टारगेट के पीछे आप इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको डिप्रेशन या डीमोटिवेशन की तरफ ही लेके जाता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करें, टास्क सेट कर लें। जब आप छोटे छोटे एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करते हैं और वो टाइमली हो जाते हैं ना, उसमें आपको एक मेंटल पीस भी मिलता है। और दूसरा ये कि आप अपने आप को इतना एग्जॉस्ट ना करें, आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपने फ़न के लिए टाइम निकालें। इवन आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की अगर स्टोरीज़ देखें, मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखें, उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद काफ़ी सालों तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं, बाद में ही कुछ अचीव करते हैं। सो डोंट लूज होप, कीप फेथ इन अल्लाह एंड यू। उम्मीद है कि आपको ये बातें कुछ काम की लगी होंगी और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे ये मेरे वर्ड्स काम आएंगे। अच्छा जी, ये मैंने टिशू बॉक्स लिया था, ये ऑल इन वन स्टोर से लिया था। ये 3-in-1 टिशू बॉक्स है, जहाँ पे टिशू रखने की भी जगह है और मोबाइल होल्डर भी है, और 2 जो छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ पे आप रिमोट या कोई भी ऐसी जो टेबल पे छोटी चार्जर वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, प्लास्टिक का है लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर दोबारा हम मोटिवेशन की ही बात करें, तो आप जब कभी किसी स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं ना, आपको कोई गोल अचीव करना है, तो अपने आसपास
पॉजिटिव लोगों को आने दें जो आपसे पॉजिटिव बातें करें, और कोई ऐसा इंसान जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं और आपको अच्छा फील होता है, जब भी आप डिप्रेस हों या अपसेट हों, डीमोटिवेटेड फील करें, उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन करें। अच्छा जी, ये मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही थी और इसके ऊपर शीशा है, तो मैं ग्लास क्लीनर के साथ साफ़ कर रही थी। मेरा ये दिखाने का पर्पस ये है कि मैं ये पावर प्लस का ग्लास क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल है। हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि जस्ट एक टेबल साफ़ करने के लिए 3-4 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो आजकल इतने इन्फ्लेशन के दौर में मतलब फ़ायदा नहीं है इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करना, जबकि एक रीज़नेबल प्रोडक्ट से भी टेबल अच्छी तरह से साफ़ हो सकता है। कमिंग टू द रिव्यू सेक्शन ऑफ आर वीडियो, मैं आज रिव्यू कर रही हूँ फिलिप्स की स्टीम आयरन। अच्छा जी, ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने 2 साल पहले ली थी नाई सुपरमार्केट से, सेल में ली थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, तब 12,500 की थी, लेकिन अब शायद 25,000-26,000 की हो गई है, और ये बहुत ही यूज़फुल स्टीमर है। अच्छा, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नीचे चाहिए लेंथ तो आप नीचे भी कर सकते हैं, जितनी ऊपर चाहिए आप ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट खोल के, 3 पॉइंट्स दी होती हैं, खोल के नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये अभी आपको जो ऑन एंड ऑफ वाला दिख रहा है, वो ये जो वाटर कैन है ना, उसको जब हम स्ट्रीमर को ऑन करते हैं तो फिर इसको अगर ऑन करेंगे तो फिर वो ऑन हो जाएगा, वाटर कैन खुल जाएगा। अगर इसको हम लॉक करते हैं तो वाटर कैन बंद हो जाएगा, और वाटर कैन में फुल पानी जितना ही भरेंगे ना उतना तेज़ स्टीमर होगा। और ये मैंने अभी ऑन कर दिए, अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखें, मतलब अभी मेरा जो वाटर वाला बॉक्स था, कैन था, वो बहुत कम भरा हुआ था, अगर ये ज़्यादा भरते हैं तो और ज़्यादा स्टीम निकल। अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी जो ड्रेस है ये सिल्क का ड्रेस है, बहुत ही स्मूथली प्रेस हो रहा है, और ये जो स्टीमर है ये अगर बात की जाए फैंसी कपड़ों के लिए उसके लिए बेस्ट है, और लॉन के कपड़ों के लिए, बाकी कॉटन के कपड़ों के लिए इतनी रिकमेंडेड नहीं है। ये तो ब्लू है, ये तो ग्रीन है, ये रेड नहीं है, ये काले चलते नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा।